वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके मन में जो भी रिजल्ट से रिलेटेड डाउट है वो डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। आपका रिजल्ट कब लगने वाला है, आपके रिजल्ट की डेट क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक MSBT से रिलेटेड नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर आपकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन होती है, समझो अगर आपकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन हुई और 1 अगस्त को अगर आपकी एग्जामिनेशन खत्म हो जाती है तो आपका जो रिजल्ट है वो 45 डेज के बाद आता है। मतलब 1 अगस्त को अगर खत्म हो गई तो 15 सितंबर के आसपास, मतलब बराबर 45 डेज के बाद आपका 15 अगस्त के आसपास 2-4 दिन आगे पीछे आपका रिजल्ट लग जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है तो उसका जो रिजल्ट निकालने में काफी कम समय लगता है, तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, समझो अभी आपकी एग्जामिनेशन शुरू हुई थी 12 जुलाई को और खत्म हो गई थी 3 अगस्त को। ठीक है, तो 3 अगस्त को खत्म हो गई थी तो आपका रिजल्ट अगस्त के 4th वीक में आने वाला था। मतलब अराउंड हम पकड़ के चले तो 25 दिन के बाद आपका रिजल्ट आने वाला था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब होती है तो उसका रिजल्ट 25 या 30 डेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन देखिए, कुछ स्टूडेंट की री एग्जाम हुई, ठीक है, जो कोकण कोल्हापुर जो स्टेट से, मतलब जो जिले से बिलोंग करते थे, उन स्टूडेंट कुछ कारणों की वजह से वहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं दे पाए तो उनकी एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन हो गई। ठीक है, तो उनको फिर से एग्जामिनेशन देना पड़ा। जो स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाए तो उनकी एग्जामिनेशन 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में ली गई। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि आपका जो रिजल्ट है उसमें डिले आ गया है। लेकिन आपका रिजल्ट कब लगने वाला वो सबसे बड़ी चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी एग्जामिनेशन हो गई 17 अगस्त को ख़त्म, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है उसको लाने में काफ़ी कम समय लगता है, क्योंकि रिचेकिंग वगैरह नहीं करना पड़ता। वहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर की मदद से अपने आप मार्क्स आ जाते हैं, वहाँ पर उनके सामने डिस्प्ले हो जाते। तो आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के 15 तारीख के आसपास लगेगा, 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद इस तरह से आपका रिजल्ट लगेगा 100% गारंटी के साथ में। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या फिर रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी MSBT से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है वो अपडेट मैं आपको देता जाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कब है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।